एक बड़े से घर के एक कमरे में एक लड़की बेड पर लेटी हुई थी। उसके पास उसकी दो बहनें दिशा और प्रियंका खड़ी थी और सामने उसकी माँ खड़ी खड़ी आंसू बहा रही थी। मम्मी! ये लड़की बुरी तरह चीख चिल्ला रही थी। नेहा बेटा, अभी डॉक्टर आने वाले हैं, तुम बस थोड़ा सब्र कर लो। माँ, इसको क्या हो रहा है, ये इस तरह से बिहेव क्यों कर रही है? नेहा ने अपनी माँ को देखा और भयानक अंदाज में हंसने लगी। ये नहीं बचने वाली, नहीं बचेगी ये। तभी अचानक से नेहा के चेहरे पर दर्द के भाव नजर आने लगे। उसकी आंख और नाक से खून आने लगा और दर्द भरी चीखें उसके मुंह से निकलने लगी। उसका पेट किसी गुब्बारे की तरह फूलने लगा और अचानक से फट गया। उसके बेड पर खून ही खून फैल गया और उसकी मौत हो गई। नहीं! कुछ महीने बाद शाम के 7 बजे थे। राजवीर बाइक राइड कर रहा था और प्रियंका उसके पीछे बैठी थी। मुझे पता है तुम बाइक इतनी तेज क्यों चला रहे हो, ताकि मैं तुमसे और ज्यादा चिपक कर बैठ जाऊं, है ना? इस पर राजवीर मुस्कुरा दिया। दिशा भी अपने कमरे में बिल्कुल अकेली थी और बार बार खिड़की की तरफ देख रही थी। ये इडियट हमेशा लेट आता है, सुस्त कहीं का। तभी बेड के नीचे से किसी ने उसका पैर पकड़ लिया। उसने बेड के नीचे झुककर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। तभी खिड़की के रास्ते कोई अंदर आया। हेलो डार्लिंग, आ गए तुम, इडियट, इतना टाइम लगता है क्या? अरे सॉरी यार, बस घर से निकलने में देर हो गई। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। करण अपने पॉकेट से कुछ निकालने वाला था कि तभी अचानक से उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने देखा कि दिशा के ठीक पीछे काले लिबास में एक औरत खड़ी है। उसका चेहरा बहुत भयानक था, आंखें लाल लाल थी और मुंह से खून टपक रहा था। क्या हुआ? अब दिशा ने पाया कि करण उसके पीछे देख रहा है, तो उसने भी पीछे पलट कर देखा। उस औरत का भयानक चेहरा देखकर उसके मुंह से चीख निकली। वो भयानक औरत काला धुआं बनकर दिशा के अंदर समा गई और दिशा जमीन पर गिरकर तड़पने लगी। दिशा उठो, आर यू ओके? ये आवाज तो दिशा के कमरे से आ रही है। पल्लवी और रोनित भागकर उसके कमरे में पहुंचे तो सामने का मंजर देख उनका कलेजा मुंह को आ गया। करण जमीन पर मरा पड़ा था और दिशा उसके सीने से मांस नोच कर खा रही थी। कितना स्वादिष्ट मांस है इसका। ये कहकर वो धड़ाम से बेहोश हो गए। कुछ देर बाद प्रियंका भी राजवीर के साथ घर पर पहुंच गया और ये मंजर देखकर उसका भी दिल दहल उठा। कुछ महीनों पहले हमारी नेहा के साथ भी ऐसा ही हुआ था और आखिर में हमने उसको खो दिया। कहीं दिशा के साथ भी तो? नहीं नहीं, ऐसा मत बोलो, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा मेरी दिशा को। पल्लवी दिशा का सर सहलाने लगी। रोनित ने दिशा को उठाया और बेड पर लिटा दिया। रात में कई बार दिशा उठती और अजीब तरह से चीख पुकार करते करते फिर से बेहोश हो जाती। उसकी इस हालत से सभी परेशान थे। पापा प्लीज आप डॉक्टर को बुला लीजिए, कहीं से कुछ हो ना जाए। इस वक्त डॉक्टर के यहाँ जाने का कोई फायदा नहीं होगा, उसके एरिया में एंटर करने वाला गेट अब बंद हो चुका होगा। ये सभी दिशा के पास ही बैठे रहे। ठीक 3 बजे दिशा के शरीर में अजीब सी कपकपी होने लगी। दिशा बेटा, मैं इसको नहीं छोड़ने वाली, इसको साथ लेकर जाऊंगी। दिशा के आंख कान और मुंह से खून निकलने लगा और उसका पेट भी किसी गुब्बारे की तरह फूलने लगा। नहीं, मेरी बच्ची को कोई बचाओ। दिशा, प्रियंका और पल्लवी दोनों दिशा से लिपट गए, लेकिन दिशा का पेट बहुत तेजी से फूल रहा था। उसने प्रियंका के बालों को बहुत जोर के साथ नोचा। दिशा ने प्रियंका के बाल की एक लट तोड़कर उसको अपने मुंह में रख लिया और तभी उसका पेट किसी गुब्बारे की तरह फट पड़ा। नहीं, नहीं! दिशा की मौत से पूरा परिवार बुरी तरह टूट गया था। अगले दिन दिशा का अंतिम संस्कार कर दिया गया। ये सभी उसकी जलती चिता को देखकर आंसू बहा रहे थे। पल्लवी और प्रियंका
दोनों ही इतने सदमे में थे कि उनके मुंह से कुछ नहीं निकल रहा था। प्रियंका, तुमने कुछ नहीं खाया, प्लीज कुछ तो खा लो। मेरी एक बहन 2 महीने पहले और मेरी दूसरी बहन को मैंने कल खोया है। मुझ पर क्या बीत रही है ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ। तुम अब इस घर की इकलौती बेटी हो, अपना ध्यान तो तुम्हें ही रखना पड़ेगा ना। मैं बाथरूम से आती हूँ। प्रियंका बाथरूम में गई, उसने वॉश बेसिन में अपना फेस स्प्लैश किया। तभी उसने आईने में देखा कि उसके ठीक पीछे वही काले लिबास वाली भयानक औरत खड़ी थी। कौन है? प्रियंका ने पीछे मुड़कर देखा तो उसने प्रियंका की गर्दन पकड़ ली। छोड़ो! प्रियंका ने खुद को छुड़ाया और बाहर भाग निकली। बाथरूम में मेरे साथ? प्रियंका की आंखें खौफ से भरी थी और उसके मुंह से आधे अधूरे अल्फाज निकल रहे थे। रात के वक्त प्रियंका अपने कमरे में सो रही थी, उसकी सिर्फ आंखें बंद थी और नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। तभी उसे महसूस हुआ कि उसके चेहरे पर कुछ टपक रहा है। उसने आंखें खोली तो पाया कि सीलिंग फैन पर वही भयानक औरत बैठी हुई है और उसके मुंह से खून प्रियंका के चेहरे पर टपक रहा है। प्रियंका वहां से उठती इससे पहले ही वो औरत प्रियंका पर कूद गई। मम्मी, बचाओ, राजीव! ये तीनों अब उसके कमरे की तरफ भागे और उन्होंने पाया कि वो अपने बेड पर नहीं है। प्रियंका, कहाँ हो तुम? तेरी बेटी यहाँ है रोनित। इन तीनों ने ऊपर गर्दन उठाकर देखा तो प्रियंका कबर्ड के ऊपर पैर लटकाए बैठी हुई थी। उसकी आंखें लाल थी, बाल खुले हुए थे और जुबान से खून टपक रहा था। वो अचानक से रोनित पर कूद गई। प्रियंका हटो! राजवीर ने प्रियंका को रोनित से अलग किया और प्रियंका शांत भाव से अपने पापा को देखते हुए बोली, तेरी वजह से मेरी बेटी चित्रलेखा की जान गई थी, अब तू भी अपनी इस आखिरी बेटी को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखेगा। ये सुनते ही रोनित के पैरों तले जमीन निकल गई। वो अपने घुटनों पर आ गया और उसकी आंखों से आंसू ऐसे फूटने लगे जैसे उसे अपनी किसी बड़ी गलती का पछतावा हो रहा हो। डैडी, आपको कुछ पता है तो बता दीजिए, ये किस चित्रलेखा की बात कर रही है? ये बात 23 साल पुरानी है। मैं उस टाइम गांव की एक लड़की चित्रलेखा से प्यार करता था। उसके पिता नहीं थे, ना ही कोई भाई बहन, सिर्फ एक माँ थी जो उसको बहुत प्यार करती थी। मैं उससे प्यार जरूर करता था लेकिन शादी के बारे में कन्फर्म नहीं था। फिर पापा ने मुझे यहाँ शहर में भेज दिया और यहाँ आने के बाद मैं चित्रलेखा को भूल गया था। फिर मुझे यहाँ पल्लवी मिली और मैंने उसी से शादी कर ली। तो आपको नहीं पता था कि चित्रलेखा और उसकी माँ का क्या हुआ? नहीं, मुझे कुछ भी नहीं पता। ठीक है पापा, आप मुझे आपके गांव का नाम बताइए, मैं वहीं जाकर पता करूंगा उसके बारे में। अब रोनित ने राजवीर को अपने गांव माधवगढ़ का पता बता दिया। राजवीर उसी वक्त माधवगढ़ पहुंचा और वहां उसकी मुलाकात एक आश्रम में रहने वाले स्वामी से हुई। चित्रलेखा हमारे गांव की सबसे खूबसूरत लड़की थी, वो रोनित से बहुत प्यार करती थी, इसलिए जब रोनित यहाँ से शहर चला गया तो वो बहुत बेचैन रहने लगी। रोनित का न कोई खत आया और न वो खुद आया। चित्रलेखा ने उसके कम में खाना पीना छोड़ दिया और एक दिन वो इस दुनिया से चली गई। उस रोनित ने मेरी फूल जैसी बच्ची के दिल से खेला। मेरी बच्ची की जान मैंने अपनी आंखों के सामने जाते हुए देखा है, अब वो भी अपनी हर बेटी की जान अपनी आंखों के सामने जाते हुए देखेगा। मंजरी ने घर के अंदर बंद होकर काली विद्या शुरू की और फिर एक दिन रहस्यमय तरीके से उसकी मौत भी हो गई। उसने अपनी आत्मा का त्याग काली शक्तियों को दे दिया, इसलिए मरने के बाद वो और शक्तिशाली हो गई। फिर उसने रोनित की सबसे छोटी बेटी के शरीर पर कब्जा करके उसकी जान ले ली, लेकिन वो एक बार किसी के शरीर में घुस जाए तो उसके मरते ही उसे दूसरे शरीर की जरूरत पड़ती है, इसलिए नेहा के मरते ही उसने दिशा के शरीर में वास किया और दिशा के मरते ही अब वो प्रियंका के शरीर के अंदर है। स्वामी जी, प्रियंका को बचाने का कोई तो रास्ता होगा ना, प्लीज मुझे बता दीजिए। तुमको एक साधना करनी पड़ेगी, 3 रातों की एक साधना।
ये कहकर स्वामी जी ने राजवीर को एक विधि बताई। राजवीर सभी सामग्री के साथ कुंड के सामने जमीन पर बैठ गया और अपने सामने एक कील को रखकर उसने साधना शुरू की। इस तरफ रोनित और पल्लवी प्रियंका के पास बैठे हुए थे। राजीव वहाँ पहुँचा या नहीं उसकी कोई खबर नहीं है, ना उसका मोबाइल लग रहा है। भगवान पर भरोसा रखो, मैं तो मेरी बेटियों को नहीं बचा पाया, लेकिन राजवीर जरूर अपने प्यार को बचा पाएगा। राजवीर की कोई खबर नहीं थी और प्रियंका की हालत बिगड़ती जा रही थी। कभी वो हंसती तो कभी रोती, कभी कमरे से भागकर बाहर निकल जाती तो कभी घर की चीजों को इधर उधर फेंक देती। रौनित, आज तीसरी रात है, राजवीर का कुछ पता नहीं है, मुझे बहुत डर लग रहा है। आज की रात तेरी बेटी की आखिरी रात होगी। प्रियंका उठी और कमरे से बाहर भाग गई। ये दोनों हॉल में पहुंचे तो पाया कि प्रियंका चिमनी में लगी आग से जलते हुए कोयले उठाकर खा रही थी। नहीं प्रियंका! मम्मी, मेरा मुंह जल रहा है। और फिर अचानक उसकी आवाज बदल गई। आज की रात मैं जी भर के इसके साथ खेलूंगी। प्रियंका वहां से वापस अपने कमरे में भाग गई और फिर उसकी आंख और कान से खून आने लगा। मम्मी! प्रियंका बेटा नहीं! ये दोनों प्रियंका को संभालने की कोशिश कर ही रहे थे, लेकिन उसने उन दोनों को एक तरफ धकेल दिया और अब उसका पेट भी उसी तरह फूलने लगा जैसा पिछली दोनों बहनों का फूला था। नहीं प्रियंका बेटा, मैं तुमको नहीं खोना चाहती। प्रियंका का पेट फटने ही वाला था कि तभी अचानक वहां पर राजवीर आ गया। इसने अपने हाथ में पकड़ी हुई वही कील प्रियंका के कंधे में गाड़ दी। नहीं! प्रियंका बुरी तरह छटपटाने लगी, लेकिन राजवीर ने उसे नहीं छोड़ा। फिर एक तेज चीख उसके मुंह से निकली। उसका पेट वापस से कम होने लगा और वो कील जो उसके कंधे में गड़ी थी वो चमकने लगी। थैंक गॉड! राजवीर ने वो कील उसके कंधे से निकाल ली। फिर उसने अपने झोले से एक नारियल और एक हथौड़ी निकाली। उस कील को राजवीर ने नारियल के अंदर ठोक दिया। प्रियंका बेहोश हो गई और राजवीर ने चैन की सांस ली। राजवीर, प्रियंका के साथ तुमने क्या किया? इसे कुछ हो तो नहीं गया? नहीं मम्मी, मैंने प्रियंका को बचाने के लिए एक तंत्र साधना करके इस कील को अभिमंत्रित किया था। जब मैंने वो कील प्रियंका के कंधे में गाड़ी तो इस कील ने उस आत्मा को अपने अंदर खींच लिया, और मैंने ये कील जब इस नारियल में गाड़ दी जिससे वो आत्मा हमेशा के लिए इसमें कैद हो गई, और हमारी प्रियंका अब बिल्कुल ठीक है। ये सुनकर उसके माँ बाप की आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े। राजवीर ने उस नारियल को घर के पिछवाड़े जमीन में गाड़ दिया और तभी प्रियंका भी वहां आकर राजवीर के गले लग गई।